मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार। मुंब्रा शहर में कचरा डालने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले MIM पार्टी विरोध प्रदर्शन की, उसके बाद फिर सोसाइटी के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और अब NCP पार्टी के लोग कचरा डालने के खिलाफ सामने आए। आपको बता दें कि MM वली में ये कचरा डाला जा रहा है, वहाँ पर कचरा डंप किया जा रहा है। दरअसल पहले मित्तल ग्राउंड के रोड पर कचरा था, वहाँ पर विरोध हुआ, उसके बाद फिर मित्तल ग्राउंड में जो है कचरा डंप किया जाने लगा। जब वहाँ पर सोसाइटी के लोगों ने विरोध किया तो कचरा ये जो है MM वली में जो मुंब्रा प्रभाग समिति है उसके ठीक सामने ही वहाँ पर कचरा डंप किया जाने लगा। लेकिन वहाँ पर जब कचरा डंप किया जाने लगा तो फिर NCP पार्टी के तमाम लोग इस पर एतराज़ जताए और आज मुंब्रा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सागर सालुंखे से NCP के कलवा मुंब्रा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान और तमाम कार्यकर्ता जाकर मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम दिया और मांग की कि यहाँ पर MM वली में जो है कचरा ना डाला जाए। दरअसल शमीम खान का कहना है कि MM वली में जहाँ प्रभाग समिति के सामने ये कचरा डंप किया जा रहा है उससे लगकर ही स्टेडियम है और वहाँ पर एक हॉस्पिटल भी है और ये कचरा अगर यहाँ पर डंप किया जाएगा तो यहाँ से गंदगी होगी, हॉस्पिटल है साथ ही वहाँ पर तमाम सोसाइटीज़ है, सुकून हाइट, ग्रेस स्कोर और तमाम और भी जो है वहाँ पर प्रोजेक्ट के काम चालू है और इस तरह से अगर यहाँ पर कचरा डंप किया गया तो इन पर जो है इसका काफ़ी असर पड़ेगा। इसलिए सागर सालुंखे से इन लोगों ने मांग की है कि यहाँ पर कचरा ना डाला जाए। लेकिन वहीं जो सागर सालुंखे हैं उनका कहना है कि मनपा के तरफ से लीगल तौर पर जगह ढूंढी जा रही है और जल्द ही इसका हल निकाल लिया जाएगा, वहां पर कचरा डाला जाएगा, ऐसा मनपा के तरफ से कहा गया है। लेकिन वहीं शमीम खान जो है इस पर काफ़ी आक्रामक रूप अख्तियार किए हुए हैं कि अगर MM वली जो यहाँ का सबसे अच्छा पॉश इलाका माना जाता है, तमाम सोसाइटीज़ यहाँ पर हैं, ऊपर से और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट के काम चल रहे हैं, हॉस्पिटल है और स्टेडियम है और यहाँ पर इस तरह से कचरा डंप किया जा रहा है, इससे बीमारी फैलने का डर है। और उन्होंने और भी क्या कुछ मुलाकात के बाद जो है कही है बातें, वो हम आपको सुनाते हैं। देखिए, हमारी आवाम को ये कहीं ना कहीं बहुत दिनों से उनका एक कॉल आ रहा था, उनकी एक कॉलम्स थी जिसका आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे तमाम साथियों ने, हम लोगों ने दौरा किया, हमने दौरा किया, उस पर हमने ये देखा कि चाहे वो जब एंट्री करते हैं हम मित्तल रोड के लिए डीजर सिटी के बाजू में, या उसके बाद अगर हम कहें तो स्टेडियम के जस्ट पीछे जो एक नया रोड बनने वाला है अभी वहाँ पर, या अगर हम कहें तो ये जो MM वली के गेट के सामने नाले के पास यहाँ कचरा डंपिंग किया जाता है तो ये गलत है। एक तो वो हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के पीछे कचरा डंपिंग, तो आदमी अच्छा होने के लिए आएगा या आदमी को बीमार होना है, नंबर वन सवाल। नंबर टू, आज MM वली इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, हमारा इम्तियाज उन्होंने वहीं पर रहता है, राष्ट्रवादी का एक साथी है हमारा पार्टी का, बहुत वाइस प्रेसिडेंट विधानसभा का, लोग पकड़ के उसको बोलते हैं कि यार ये क्या तरीका है तुम लोगों का कि आप बात करो साहब से इस तरीके से, जो डीजे सिटी के पीछे चल रहा है। देखिए, कचरा डंपिंग होना चाहिए, नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, लेकिन वहाँ होना चाहिए जहाँ कचरा डंपिंग की जगह प्रोवाइड की गई है। इसको लेकर के आज हम लोगों ने एक लिखित कंप्लेन लेटर दिया है हमारे AMC सागर सोलंके साहब को और उनसे ये विनंती किया है कि इसको बंद किया जाए। हमें उम्मीद है, उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि वो विजिट करेंगे और इसको बंद करेंगे। नंबर टू, कचरा सफाई को लेकर के बबलू अयाज ने भी एक बात कही कि भाई हमारे, मतलब उन्होंने कहा भाई हमारी जानकारी में तो जो कचरा सफाई का एक जो टीम काम कर रहा है जिनका नाम भानुशाली जी है, मैं आपके माध्यम से कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूँ कि कमिश्नर साहब से और हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब से कि सर सबसे पहले भानुशाली का कॉन्ट्रैक्ट रद्द होना चाहिए। अगर भानुशाली नहीं रहेगा यहाँ पे, कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आ गया तो ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना शहर में, ये बंद हो जाएगा। अभिषेक कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम है। हम मांग करते हैं हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र दवार साहब से और कमिश्नर साहब से कि इनका ठेका, इनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जाए, वरना किसी दिन ऐसा ना हो कि हमें उग्र आंदोलन करना पड़े अभिषेक कंस्ट्रक्शन के खिलाफ।
शमीम भाई, इसके पहले भी ऐसे कचरे को लेकर काफ़ी जो है विवाद बहुत चला है, लेकिन इनका कहना है कि उनके पास जगह नहीं है। टीएमसी भी कहीं लीगल तरीके से इन्हें पॉइंट नहीं दे रही है कचरा रखने के लिए। उधर जगह है ना डंपिंग ग्राउंड के अंदर, उधर दीवा के और ये मुमरा के बीच में जो इलाका है वहाँ पे जगह है ना। कॉरपोरेशन टैक्स वसूली करती है तो उसका काम भी है जगह प्रोवाइड करके दे हमारे लोगों का। ये काम किसका है? अगर नहीं है तो कमिश्नर साहब भांगर साहब बहुत बेहतरीन कमिश्नर हैं, आयुक्त महोदय, और मैं उम्मीद करता हूँ आयुक्त महोदय से कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने कार्यकाल में न्यू मुंबई वासी के अंदर। आज न्यू मुंबई वासी एक मुंबई का एक ऐसा इलाका माना जाता है कि उसे कहते हैं कि भाई शून्यकरण का इलाका है वो, बबलू भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वेल प्लान सिटी है वो, तो वेल प्लान सिटी के तहत सर हमारे लिए हमारे शहर के भी काम करेंगे, और जिसके लिए हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र दवार साहब भी उनसे बात कर रहे हैं। तो हम लोग कौन क्या कहता है, कौन आया कौन गया कौन बोला, मैं इस पर जाना नहीं चाहता। राष्ट्रवादी पार्टी का एक एम है, हमारे साथियों का एक एम है, हम हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र दवार साहब के नेतृत्व में सैयद अशरफ भाई साहब की क्यादत में हम लोग इंशाल्लाह ताला इस काम का अंजाम दे करके रहेंगे। एडवोकेट शारिक यहाँ मौजूद हैं, मैं एक राष्ट्रवादी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते इनको जिम्मेदारी देता हूँ। ये हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल के अपना एडवोकेट भी हैं, एडवाइज़र भी हैं। उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक लेटर ड्राफ्ट करें, हमें अभिषेक कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कराना है, क्योंकि आज जो शहर में परेशानियाँ चल रही है उसकी देन अभिषेक कंस्ट्रक्शन का मालिक संदीप भानुशाली। ये डंपिंग की जो व्यवस्था की गई है, ये पहले अलॉटमेंट किया जाता है कि भाई हमारे पास फला जगह है डंपिंग करने के लिए, तब जाके उनको वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। लेकिन वो जगह स्पेसिफाई उन्होंने किया है नहीं किया है, उस चीज़ की इंक्वायरी हमारी चालू है। शमीम भाई के मार्गदर्शन में जो भी उन्होंने कहा है, जो भी उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह देने के लिए कहा है, वो हम उन पर कार्रवाई करेंगे, और उसके साथ जो भी बेस्ट हो सकता है टू द वेलफेयर ऑफ द मुमरा पीपल्स, हम लोग वो चीज़ें निश्चित करेंगे। और अभी से एक कंस्ट्रक्शन के लिए ये वार्निंग है, सुधर जाए, नहीं तो शमीम भाई फिर अपने स्टाइल में हर चीज़ बता देंगे। कुछ नहीं, हमारी मांग जो अध्यक्ष जी हमारे बताएं कि जो जैसा एमएमएलए में भी जो कचरा यहाँ डाला जा रहा है तो ये भी लीगल तरीके से नहीं है, लीगल वहाँ पर लीगल है, कचरा डंपिंग का वो सेक्शन दिया नहीं है, उसको कोई अप्रूवल नहीं है। तो जो कंपनी वहाँ पर डंपिंग कर रही है उसका कोई हक नहीं है वहाँ डंपिंग करने का। एतराफ के लोगों को, जो टैक्स पेयर है, जो एतराफ़ में जो टीएमसी बिल्डिंग में लोग जो लोग रह रहे हैं, उनको बहुत परेशानी हो रही है। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि इसके खिलाफ जो उग्र आंदोलन होगा, हम या तो फिर उनकी गाड़ियां रास्ते पे रोकेंगे, अगर वो इस तरीके से हमको मुमरा वालों को फंसा कर जो है वो खाली मुमरा के अंदर पॉइंट चेंज करेंगे, यहाँ का कचरा बंद कर दिए, वहाँ फेंकना शुरू किए, वहाँ फंसा कर फिर कहीं और फेंकना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं चलेगा। इसके लिए टीएमसी को जो है वो मतलब प्रॉपर जगह देनी पड़ेगी जहाँ पर कचरा डंप हो। उन्होंने आज नया आश्वासित किया है कि आने वाले कुछ दिनों में जो डंपिंग मुमरा में जो हो रही है, जो डीजे सिटी के सामने हो रही है, उसके बाद ये एम एम वाली के पास हो रही है, हॉस्पिटल के बिल्कुल पीछे हो रही है, तो वो लोग एक लीगल प्लॉट के ढूंढ रहे कि वहाँ डंपिंग कराई जाए। क्योंकि क्या होता है कि मुमरा पूरी सिटी के अंदर छोटी छोटी टेम्पों में कचरा कलेक्शन किया जाता है, और कई एक स्पॉट के ऊपर उसको डंपिंग करके बड़ी गाड़ियों से जो भंडारली है, जो उनका डंपिंग ग्राउंड है, उधर लिया जाता है। मगर को मैं अभी उनसे हमारे कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम भाई, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र साहब के नेतृत्व में अभी उनको मिलने का हमारे एक डेलीगेशन हम उनको मिलने आया था। उन्होंने हमारे को आश्वासित किया है कि आने वाले कुछ दिनों में हम हमारे कमिश्नर जो अभी भंगर साहब जो आए कमिश्नर साहब से डिस्कशन करके योग्य कुछ दिन निर्णय जरूर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि असलामुद्दीन भाई आप देखेगा हमने हमारे कलवा मुमरा के अध्यक्ष श्री शमीम खान साहब के नेतृत्व में हम लोग सागर सालों के साहब से मिलने के लिए आए थे कि जिस तरह से यहाँ पे जो इलीगल डंपिंग हो रही है हॉस्पिटल के पीछे, एमएमएलई और जो टीएमसी बिल्डिंग के पास, उसके खिलाफ हम लोग एक डेलीगेशन लेकर आए थे साहब के पास। और सालों के साहब का कहना है कि इसके लिए हम लोग जल्द से जल्द कोई कदम उठाएंगे, और जो कचरा जो ये डंपिंग हो रहा है इसको हम लोग जो है यहाँ से हटा के कोई एक प्रॉपर जंक्शन जहाँ पर कचरा जमा हो, जिससे लोगों को जो है हानि ना हो, उसका हम लोग इंशाल्लाह इंतजाम करेंगे।